कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है आखिरकार करण कि यहां पर प्रीता मौजूद है। लेकिन दोस्तों आखिरकार क्यों निधि परेशान हो चुकी है, क्योंकि निधि बोलती नजर आ रही कि यहां पर कोई नहीं है, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है प्रीता, लेकिन ये तुम्हारा खाली बहम है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय करण को महसूस हो चुका है, और करण ने निधि ही क्या बल्कि उसने ऋषभ से भी बोला है कि ऋषभ मैं जानता हूँ प्रीता इसी घर में है, और अभी के अभी प्रीता को हम सब ढूंढ निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रीता ही क्या बल्कि सभी लोग थोड़ा सा टेंशन में जरूर नजर आ रहे हैं, और टेंशन का एक नहीं बल्कि समय कई और भी रीजन देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आखिरकार कहानी में बेहद ही बड़ा टूटता हुआ नजर आने वाला है, जहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है करण। करण ने बोल दिया है कि उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है, लेकिन प्रीता की और सृष्टि की बात हो चुकी है, क्योंकि सृष्टि बोलती हुई नजर आ रही कि हमें किसी भी तरीका से टूटना नहीं है और ना ही हमें जाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कहानी में लगातार एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। सभी लोगों का कन्फ्यूजन लगातार बरकरार बना हुआ है, और कन्फ्यूजन में लगातार इसलिए ही बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सृष्टि ने बोला है कि वो लूथरा परिवार ने हमें कब धोखा नहीं दिया था, ये बात बताइए आप हमें। आप लोग जानते हैं कि कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर सृष्टि बोलती हुई नजर आ रही कि ये सब कुछ करा कराए निधि का है और हमें अब इस परिवार में जाना ही नहीं है, जिसमें निधि को इतनी तवज्जो दी गई हो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के।